हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करंट स्टडी सेंटर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक न्यूज़ लेके आ गया हूँ। फ्रेंड्स, फाइनली एसएससी जीडी के जो भी बच्चे फॉर्म भरे थे ना, एसएससी जीडी वाले, उन सभी बच्चों का एडमिट कार्ड का स्टेटस लिंक जारी कर दिया गया है एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आप सभी बच्चे एसएससी जी 2024 वाले बच्चे, जितने भी बच्चे 2024 में फॉर्म भरे हैं, वो सभी बच्चे अपना लिंक देख सकते हैं कि उनका कब एग्ज़ाम डेट है, उसके बाद उनका कब सिटी इंटीमेशन देख सकते हैं कि सिटी किस सिटी में एग्ज़ाम दिया है, कब एग्ज़ाम डेट क्या है, किस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है, सारा कुछ देख सकते हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में आप लोग कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अपना सिटी इंटीमेशन देख सकते हैं। आप लोग किसी भी रीजन से भरे हो एसएससी के, किसी भी रीजन में जीडी का फॉर्म भरे हो, तो आप लोग किसी भी रीजन वाले बच्चे कैसे देख सकते हैं। चलिए, सबसे पहले आप लोग गूगल क्रोम ब्राउजर में ओपन कीजिएगा। गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आप लोग एसएससी टाइप कीजिएगा, सर्च कीजिएगा। जैसे एसएससी सर्च कीजिएगा ना, आप लोग को एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिख जाएगा। आप लोग को ये जो फर्स्ट लिंक दिखाई, इस पर नहीं क्लिक कीजिएगा। आप लोग सेकंड लिंक पर क्लिक करना, जो एडमिट कार्ड का लिंक दिखाई दे रहा है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ अच्छे से, देखिए यहाँ पर एक एडमिट कार्ड का लिंक शो कर रहा है। आप लोग को इस लिंक पे क्लिक करना है। आप लोग जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे ना, तो आप लोग एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा एडमिट कार्ड के सेक्शन में, और एडमिट कार्ड के सेक्शन में आप लोग रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। और यहाँ पे आप लोग को एसएससी के इंडिया में टोटल जितने भी रीजन है ना, सभी रीजन का उनका लिंक खुल के आ जाएगा। देखिए ये सामने एड्रेस है रीजन का, और उसका यूआरएल है यहाँ पे। आप लोग जिस भी रीजन के बच्चे हैं, आप लोग इस रीजन उनके सामने यूआरएल पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप लोग वेस्ट बंगाल कोलकाता से भरे हैं बच्चे हैं, वेस्ट जो कि ईस्टर्न रीजन में था, ईस्टर्न रीजन में कई सारे स्टेट कवर होते हैं, तो ईस्टर्न रीजन वाले बच्चे यहाँ पे टाइप कर क्लिक करेंगे, ठीक है। वैसे ही आप लोग अगर इधर के बच्चे हैं, बेंगलुरु कर्नाटका के तरफ के हैं, तो आप लोग कर्नाटका केरला रीजन में सेलेक्ट करना है, क्योंकि कर्नाटक केरला के बच्चे इस रीजन में आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे साउदर्न रीजन है, साउदर्न रीजन वाले बच्चे इस पर सेलेक्ट करें, जो कि चेन्नई होने की तमिलनाडु इस सारा कुछ कवर होता है इसमें। उसके बाद आप लोग गुवाहाटी इधर का हो गया, आसाम गुवाहाटी इधर के जो बच्चे हैं, वो लोग नॉर्थ ईस्टर्न रीजन सेलेक्ट करेंगे, उसके URL पे क्लिक करेंगे, ठीक है। वैसे ही वेस्टर्न रीजन यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। वेस्टर्न रीजन देखिए आप लोग, यहाँ पे महाराष्ट्र आ जाता है, उसके बाद से महाराष्ट्र इसमें कुछ ऐसे ही कवर किया है सारा कुछ वेस्टर्न रीजन में, तो आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो जिस भी रीजन के होंगे आप लोग ना ऐसे देख के लीजिएगा। और उत्तर प्रदेश वाले, उत्तर प्रदेश बिहार के बच्चे सेंट्रल रीजन में आते हैं, तो आप लोग सेंट्रल रीजन पर क्लिक कीजिएगा, उत्तर प्रदेश और बिहार के बच्चे, ठीक है। तो जिस भी रीजन के आप लोग बच्चे हैं, आप लोगों को सिंपली उस पर क्लिक करना है। चलिए मैं एक किसी भी एक जोन का लिंक खोल के आप लोग को दिखा दे रहा हूँ कि कैसे आप लोग चेक करेंगे, और सबका प्रोसेस सेम ही होता है कि कैसे क्या चेक करना है। देखिए मैं लिंक पे क्लिक करता हूँ। लिंक पे क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने कुछ आगे कुछ खुल के आएगा। अभी साइट थोड़ा ओपन स्लो चल रही है अभी, देखिए मैं आप लोगों को खोल के फिर भी दिखा दे रहा हूँ, साइट स्लो चल रही है अभी। तो मैं ईस्टर्न रीजन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाए, सभी बच्चे एसएससी ईआर गूगल पर डायरेक्ट सर्च करेंगे ना, तो भी आ जाएगा। देखिए यहाँ पर लिंक दिख रहा है डायरेक्ट, ये भी अगर लिंक पर सर्च करेंगे तो भी वो लोग कोलकाता के बच्चे, वेस्ट बंगाल के बच्चे आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उन सभी बच्चों के लिए एसएससी जीडी का स्टेटस चेक करने के लिए, कभी इनका एग्जाम डेट, आप लोग को यहाँ पर क्लिक करना है। देखिए न्यूज़ के सेक्शन में, लेटेस्ट न्यूज़ के सेक्शन में आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है कि नो योर स्टेटस ऑफ कॉन्स्टेबल जीडी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सीएपीएफ एसएसएफ असम राइफल जीडी इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2024। इस लिंक पे क्लिक करना है, इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आप लोगों के सामने रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा एडमिट कार्ड के लिंक के सेक्शन पे आप लोगों को। अभी नेट थोड़ा स्लो चल रहा है यहाँ पे साइट, जो कि सर्वर ही इशू है यहाँ पे। तो आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, तो आप लोगों के यहाँ पे जो कि वेस्ट बंगाल के बच्चे हैं, इस लिंक पे आगे क्लिक है, क्योंकि यहाँ पे केवल वेस्ट बंगाल अंडमान निकोबार इधर के बच्चों का ही दिखाएगा आप लोगों का लिंक, मैं बता दे रहा हूँ। अदर स्टेट के लिंक वाले जो भी मैंने आगे बताया उस पर क्लिक करना है। तो आप लोगों के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर मांगा जाएगा, तो रोल नंबर अभी आप लोगों को पता नहीं होगा, तो आप लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा, या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोग के पास नहीं है तो आप लोग अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ डाल के भी आप लोग अपना एडमिट कार्ड देख सकते हैं रियल, जो कि फॉर्म फिलअप करते टाइम पर नेम डाले थे, फॉर्म फिलअप करते टाइम पे डेट ऑफ बर्थ डाले थे, उस चीज़ को डाल के भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को डाल के दिखा रहा हूँ आगे सारा कुछ। तो देखिए मैं सारा कुछ फिल कर दिया, अब नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते ही एडमिट कार्ड का लिंक जो कि है सेक्शन खुल जाएगा। मैं आप लोग बता दूं, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में मैं हर एक गवर्नमेंट रिलेटेड एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन का प्रोवाइड सारा कुछ कराया करता हूँ टाइम टू टाइम, चाहे वो रेलवे होगा, एसएससी होगा, चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का होगा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट होगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल, सब कुछ का मैं डिटेल्स और नोटिफिकेशन कोई भी हो प्रोवाइड कराया करता हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए आगे दिखाता हूँ, थोड़ा नेट स्लो है यहाँ पे, सर्वर जो इशू है आ रहा है वहाँ पे, अभी सभी साइट पे किसी भी जो कि एसएससी की साइट है।
तो देखिए उसके बाद जैसे ही आप लोग नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे ना, आप लोग के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। देखिए आप लोग का यहाँ पर सारा कुछ डिटेल्स दिया गया है कि आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप लोग कि सारा कुछ कैंडिडेट्स बताया गया है कि ओरिजिनल फोटो, आइडेंटिटी प्रूफ, ऑलमोस्ट एग्जामिनेशन वेन्यू, डे ऑफ एग्जामिनेशन, जो आप लोग जिस दिन एग्जाम रहेगा आप लोग उस दिन कोई भी एक ओरिजिनल आईडी कार्ड लेकर जा सकते हैं, जैसे आधार कार्ड प्रिंटेड, ई आधार कार्ड वैलिड होगा, उसके बाद वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, सर्विस आईडी आप लोग भी ले जा सकते हैं, आइडेंटिटी आईडी इशू बाई यूनिवर्सिटी कॉलेज जो भी है, सारा कुछ इसमें से किसी भी एक चीज़ को आप लोग ले जा सकते हैं, जो ये बताया गया उस दिन के लिए जिस दिन आप लोग का एग्जामिनेशन रहेगा उस दिन के लिए। उसके बाद मैं आप लोग को बता दूँ, जब आप लोग सारा कुछ फिल करेंगे उसके नीचे आइएगा ना, तो आप लोग यहाँ पे ग्रीन बटन दिखाई देगा ओके कलर का, ओके इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे आप लोग आगे रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे अपने स्टेटस की तरफ में, और उसके बाद आप लोग का स्टेटस खुल के आ जाएगा। तो देखिए इसके बाद से आप लोग का सारा कुछ डिटेल्स खुल के आ जाएगा, एसएससी जीडी, कांस्टेबल जीडी इन सेंटर आर्म पुलिस फोर्स सीएपीएफ एसएसएफ असम, जो कि राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2024, ये सारा कुछ डिटेल खुल के आ जाएगा एडमिट कार्ड का। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग का यहाँ पर सामने दिया रहेगा रोल नंबर, उसके बाद से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी दिया रहेगा, उसके बाद एप्लीकेंट नेम दिया रहेगा, एप्लीकेंट फादर नेम दिया रहेगा, उसके बाद आप लोग का यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दिया रहेगा, उसके बाद यहाँ पर आप लोग एग्जामिनेशन डेट, आप लोग किस डेट को एग्जामिनेशन है आप लोग ये देख सकते हैं, 21 फरवरी यहाँ पर इन बच्चे का लड़के का एग्जामिनेशन है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 21 फरवरी को एग्जाम है। और उसके बाद से रिपोर्टिंग टाइम क्या है, आप लोग का रिपोर्टिंग टाइम तक भी बता दिया गया है कि 7:45 आप लोग का रिपोर्ट करना है, और इनका एग्जामिनेशन सिटी के नीचे देखिए यहाँ पर कोलकाता दिखा रहा है कि कोलकाता में इनका एग्जाम सेंटर होने वाला है। तो आप लोग ऐसे करके आप लोग पूरा अपना देख सकते हैं कि कैसे किस बच्चे का कहाँ पर एग्जाम सेंटर दिया है, आप लोग अपना सभी लोग चेक करते हैं। अगर आप लोग की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस चैनल पर मैं किसी भी गवर्नमेंट रिलेटेड एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन प्रोवाइड कराया करता हूँ, और उसका सारा पीडीएफ फाइल जो भी होता है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देता हूँ, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो आप लोग वहाँ से जाकर ज्वाइन करके टेलीग्राम से कोई भी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर टाइम टाइम टू अपडेट मैं वहीं पर कर दिया करता हूँ फास्टेस्ट अपडेट, ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है लेकिन मैं टेलीग्राम पर तुरंत प्रोवाइड करा दिया करता हूँ। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।